हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल पे। कैसे हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसे हैं। तो मेरे हिसाब से तो सभी अच्छे होंगे और भगवान की दया से सभी अच्छे भी होने चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन दोस्तों से जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो नए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो मेरी वीडियो पे आते हैं। अक्सर बहुत से लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं और अक्सर मेरी वीडियो पे आते हैं। डेली का ही काम है, वैसे तो डेली मेरी वीडियो पे आते हैं। दिल से धन्यवाद करता हूं उन लोगों का मैं। और राज देखिए वीडियो में क्या है, आप लोगों को पता है हमारी वीडियो में, तो आप लोगों को मिलेगा विलेज से रिलेटेड ही सब कुछ, क्योंकि हम गांव के आदमी हैं। तो आप लोगों को गांव की रियलिटी बताएंगे, हिमाचल के जितने भी गांव हैं उन सभी गांव की जो है वो रियलिटी आप लोगों से शेयर करता हूं, और आगे भी ऐसा ही करता रहूंगा। आप लोगों का साथ रहा तो हर एक नई नई जगह पे लेके आपको चलूंगा हर बारी, और नई नई चीज़ें जो है आपको दिखाता रहूँगा। कुछ आप लोग सीखेंगे और कुछ आप लोगों से हम सीखेंगे। तो चलिए आज वीडियो में क्या है तो चलते हैं। ये शॉप के बाहर जो है वो पौधे बेचने वाला और फ्लावर्स बेचने वाला आया था, तो इसके पास फ्लावर्स भी हैं और प्लांट्स भी हैं, और डेकोरेशन प्लांट जो है होते हैं वो भी है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए, ये प्रीतम जी है, ये भी प्लांट्स खरीद रहे हैं, काफ़ी खरीद रहे हैं। तो सभी को प्यार होता है वैसे हरियाली से, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी मतलब आपने खुद लगाया ना कोई भी पौधा और वो बड़ा होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यादगार रह जाती है कि मैंने ये लगाया था और आज ये कितना बड़ा हो गया। और ऐसे भी जो है जो डेकोरेशन प्लांट होते हैं ना, वो ऐसे भी तो घर में जो बहुत ही अच्छे लगते हैं, घर के बाहर जहाँ भी लगाते हैं गमलों में या कहीं भी, तो वो डेकोरेशन प्लांट तो बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि ये घर की शोभा को बढ़ाते हैं। और ये बता रहा है कि ये जो देखो ये वाला फूल है, ये चांदनी नाम का फूल है, कुछ ऐसे जैसे बता रहा था कि चांदनी फूल है, और ये और ही नाम बता रहे थे कुछ। अब मुझे वो ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा था ना, मैंने पीछे की आवाज़ भी इसीलिए काटी है क्योंकि बहुत आवाज़ हो रही थी ना, पीछे शोर था, क्योंकि NH के साथ ही है शॉप और ये बाहरली साइड जो है वो बैठा है, तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था गाड़ियों का, तो मैं ना इनकी बात पूरी सुन पाया और ना आप लोगों को सुना पाया, क्योंकि बहुत शोर था, इसलिए शोर से ऐसे भी जो है वो अच्छा नहीं लगता है। तो प्रीतम ने ले लिए दो तीन पौधे, और एक लड़का और था उसने भी जो दो तीन पौधे उसने भी लिए, और मैं पिछले साल ले लिए थे इससे, मैंने तो तीन चार पौधे लिए थे पिछले साल, इसने देखो तीन पौधे लिए हैं चार। तो डॉगी मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग सोचेंगे कि हर वीडियो में डॉगी डाल देता है, तो डॉगी मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और हमारे पास अपने आप हमारे पास भी होता था एक डॉगी जिसका नाम शेरू था, बट ये तो और यह आवारा कुत्ते हैं। कितनी मेहनत करते हैं लोग ना भाई, देखो कितना अच्छा लग रहा है जब ये मेहनत करते हैं लोग ना और मेहनत का खाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे जो भी मेहनती इंसान है ना वो अच्छे लगते हैं सच में ही, और सभी से मैं यही कहूँगा कि मेहनत किया करो और मेहनत का कमाया करो, तो बहुत अच्छा लगता है सभी को। और ये देखिए, अब यहाँ पे जो है वो हिमाचल में वैसे कोई भी काम की शर्म नहीं करता है, देखो लेडीज़ जो है वो इन जेंट्सों का साथ जो है पूरा दे रही है,
एक्चुअली ये पत्थर जो है वो इसमें ट्राले में जो भर रहे हैं, ट्राला नहीं है ये, शायद टिप्पर है, तो टिप्पर में भर रहे हैं, तो आप ऐसे ही बने रहें। और मैं जो है वो तेल भराने गया था ना, तो एक्चुअली जो है मैंने सोचा ये यहाँ पेट्रोल पंप की भी एक छोटी सी क्लिप ले लेता हूँ और दिखा देता हूँ आपको। ये जगह भी बहुत अच्छा पेट्रोल होता है यहाँ पे, और माइलेज अच्छी देता है यहाँ का जो पेट्रोल है ना, वो माइलेज अच्छी देता है। तो यहीं से जो है हम पेट्रोल भरवाते हैं गाड़ियों में, तो आप ऐसे ही कंटिन्यू बने रहें। और ये रास्ते में बिजली वाले थे ना, तो ये एक्चुअली इस ट्रांसफार्मर को ऊपर चढ़ा रहे थे टावर पे, तो देखिए कितना खतरे का काम होता है ये भी। तो बिजली का काम बहुत ही ख़तरनाक होता है, और कितनी हैवी हैवी चीज़ें जो है वो ऊपर उठानी पड़ती है, तो काफ़ी हैवी होगा ये। तो इतने सारे आदमी लगे हैं और तब भी जो है वो इतनी आसानी से नहीं चढ़ रहा है, और चेन को पीछे भी खींच रहे हैं तो भी कितनी मेहनत करनी पड़ रही है इनको, और बहुत ही ख़तरनाक काम होता है ये। अगर ये कहीं गलती से खिसक गया और जो नीचे लोग हैं ना, तो वो उनकी भी जान जा सकती है, तो यहाँ बहुत ही सेफ्टी से करना पड़ता है ये काम, और बहुत ही सूझबूझ के साथ। तो अगर भूल से भी मिस्टेक हो गई ना, तो किसी के लिए भी ये ख़तरनाक हो सकता है। तो ये बिजली का काम ऐसे भी बहुत ही ख़तरनाक होता है, करंट से भी इंसान मर सकता है, और ऐसे हैवी हैवी जो चीज़ें हैं वो भी उठाते हैं जब टावर खड़ा करते हैं, तो वो भी बहुत मुश्किल होती है। और ये देखिए ये पहाड़ी जो है वो देखिए, पहाड़ी को फाड़ के जो है रोड निकाला है, ये पत्थर ये पूरा ऊपर तक चोटी तक देखिए कितना आगे है, और इस पत्थर को फाड़ के जो है वो ये रोड निकाला गया है। तो कितनी मेहनत की होगी यहाँ पे और कितना पैसा लगा होगा। और यहाँ का व्यूज़ देखिए आप, कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यूज़। आप लोग भी आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा वैसे तो। और ये देखिए कितना ऊंचा पहाड़ है और पूरा पत्थरी है ये, और पत्थर को फाड़ के जो है इन्होंने रोड निकाला है, तो ये अच्छा लग रहा है ना वैसे, देखिए कितना अच्छा लगता है ना, और इतने पहाड़ी एरिया, और हमारे को तो वैसे अच्छा लगता है यहाँ पे, और जो प्लेन एरिया के हैं ना वो आते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है यहाँ पे चलना भी, तो हमें तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा था। और मैं यहाँ से जा रहा था तो देखिए कितना अच्छा लग रहा था ना यहाँ पे, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, आप लोगों को भी शायद अच्छा लग रहा होगा। और आप लोगों को भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और आप ऐसे ही बने रहें कंटिन्यू। और जिसे भी ना मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, और प्लीज़ वो जो है वो मेरी वीडियो को लाइक करें, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितना हो सके प्लीज़ दोस्तों आपसे ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को दूसरे लोगों के पास शेयर करें, ताकि आपका जो मुझे साथ मिल रहा है वो दोगुना मिल जाए। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, एंड नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।